भारी बहुजन महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर हमारे साथ मौजूद है। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से बंद आप लोगों ने किया है, लेकिन आपने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि शांतिपूर्ण बंद होना चाहिए, लेकिन मुंबई में जगह जगह पर पत्थरबाजी देखने को मिल रही है, लोग रास्ते पर उतर के रास्ता रोके कर रहे हैं, ये चीज क्या आप इसको समर्थन करते हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि कहीं भी सुबह से पत्थरबाजी नहीं है। कार्यकर्ता रास्ते पर उतरे हैं, ये बात सही है, लेकिन शांतिपूर्वक है। जितने भी इमरजेंसी व्हीकल है उनको छोड़ा जा रहा है जी। और मेरी सुबह ही कमिश्नर से बात, पुलिस डिपार्टमेंट से मेरी बात हुई और पुलिस डिपार्टमेंट ने भी ये कहा कि नहीं, कोऑपरेशन से ये चल रहा है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि कुछ संगठन जो है वो इसको बाधा लाने की कोशिश कर रहे हैं, कि जिसके नाम मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को दे दिए है और जो करने वाले हैं उनके भी नाम दिए, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि उनके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही जी। ये पुलिस डिपार्टमेंट को हमने कहा भैया, अगर कल पथरावबाजी हुई दोपहर के बाद में या ये हुआ, तो मैंने कहा मैं जो नाम मैंने आपसे शेयर किए हुए हैं, मैं लोगों के सामने वो नाम जरूर शेयर करूंगा कि भैया पहले ही हमने आगाह किया था कि ये हमारे कार्यकर्ता नहीं है, नहीं ना ही हम लोग के साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन ये अराजकता जो जिनका उद्देश्य है उनके साथ से ये। लेकिन आपका इशारा किस और है, कौन आपको लग रहा है? अभी देखिए, इसको मैं अभी नहीं खोल सकता हूँ, मतलब कि बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई करेगी और उनको रोकेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन सर, जिस तरह की घटना हुई भीमा कोरेगा, उस तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने भी इसको कॉग्निजन लेते हुए न्यायिक जांच के आदेश दिए, सीआईडी जांच कर रही है, उसके बावजूद तुरंत अगर उसकी कार्रवाई होती तो शायद मेरे ख्याल से भड़का इतना नहीं होता। वहाँ पे महाराष्ट्र की एक कहूँ कि आलूतेदार बलूतेदार ये जो है ये दोनों 50% आबादी इनकी है, ये किसी एक समाज से या किसी एक जाति से संबंधित नहीं है जी। ये जो लड़ाई भीमा कोरेगांव की जानी जाती है उसमें आलूतेदार बलूतेदार के सैनिक थे और उन्होंने पेशवा के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और पेशवा ने उनके खिलाफ जो सामाजिक बंधने लाई थी उसके खिलाफ की ये लड़ाई थी और इसलिए इसको एक आज़ाद दिन के रूप में हम मनाते हैं जी। 200 साल पूर्व हुए, इसलिए जिन जिन समाज के व्यक्तियों ने सहयोग दिया था, लिया था, उन्होंने मिल के करीब करीब 250 संगठन हुए थे, 250 संगठन का ये कार्यक्रम था। कार्यक्रम इतना ही था कि उनको अभिवादन करके चले जाएंगे, कोई पब्लिक मीटिंग वहाँ पर नहीं थी। अभिवादन करके सुबह लोग आते थे और चले जाते थे, कोरेगांव में कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन रास्ते में जो लोग आ रहे थे उन पर पथराव हुआ, उनकी गाड़ियां रोकी गई, मारा गया, गाड़ियां जलाई गई, बसें जलाई गई और जलाने में जो संभाजी भिड़े करके है उनकी जो शिवराज प्रतिष्ठान जो है उनके कार्यकर्ता वहाँ उसमें थे। उसके बाद में जो है मिलिंद एकबोटे जो है उनकी हिंदू संगठन उनके कार्यकर्ता थे जिन्होंने ये सब की, जिसमें एक की जान चली गई। हम लोग ये कह रहे हैं, सरकार से भी ये कह रहे हैं कि भाई जो इकट्ठा हुए थे वो भी हिंदू थे जी। जिन्होंने ये किया, जलाने का काम किया, मारपीट का काम किया है, अराजकता मचाने का काम किया, वो भी हिंदू थे जी। तो ये डिफरेंस कहाँ है ये बताइए, मतभेद कहाँ है ये बताइए, अलग तरह है, अलगपन है, वो उसके क्या है वो आप बताइए, लेकिन उसके खिलाफ कोई बता नहीं रहा है, कुछ दिखा भी नहीं रहा है उसमें। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि पहली बार जो है ये जो धार्मिक संगठन है, नॉन पॉलिटिकल धार्मिक संगठन है, कि जो कह रहे हैं कि हम हिंदुओं का एजेंडा लेके चल रहे हैं, उनका एजेंडा हिंदुओं का एजेंडा नहीं है, उनका एजेंडा सिर्फ एक ही एजेंडा है कि इस देश में अराजकता मचाना, इनसिक्योर करना, क्योस करना, ये उनका उद्देश्य है, ये इसमें बाहर निकला है। अब हम लोग सरकार से कह रहे, केंद्र सरकार से कह रहे, राज्य सरकार से कह रहे कि जिस तरह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में बर्ताव किया जाता है उस तरह से इनसे बर्ताव होना जरूरी है, वरना इनको अगर खुली छूट दे गई तो ये और अराजकता मचाएंगे, क्योस मचाएंगे। सरकार बीजेपी की है, उनको इस पर कॉल लेना है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन कल राहुल गांधी ने इस पूरी घटना के बाद ट्वीट किया कि संघ और बीजेपी को इसमें निशाने पर लिया, क्या आपको लगता है कि इसमें संघ का मुझे, हाथ मुझे ऐसा है कि राहुल गांधी जो है वो जो जिस प्रकार की रिएक्शन दे रहे उस प्रकार की रिएक्शन ना दे तो उसकी इमेज के लिए अच्छा होगा। ओके। क्योंकि
ये जो संगठन था सेलिब्रेट करने का या अभिवादन करने का संगठन था, इसको कई संगठनों ने पहले विरोध किया 10-15 दिन पहले, लेकिन उनके साथ में बैठक हुई जी। जैसे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ थी, उसके साथ में बैठक हुई, वो भी जब समझ गए तो उन्होंने कहा नहीं, हम भी आपके साथ में अगली बार आएंगे जी। उसके बाद में फिर पेशवाई के जितने भी रिश्तेदार हैं उन्होंने पहले विरोध किया, उनसे साथ भी बातचीत हुई, फिर उन्होंने खुद जाके पुलिस से कहा कि नहीं, इनको परमिशन दीजिए, हमारी जो गलत फहमियाँ थी वो गलत फहमियाँ दूर हो गई। तो जितने भी आरएसएस के साथ आप मान दीजिए जुड़े हुए संगठन थे, उन्होंने उनके साथ में बैठ के तो बातचीत हुई और रिजॉल्व हुआ, और उसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के एक जज है पीबी सावंत, आज भी सोशली एक्टिव है, वो उसके प्रमुख थे वहाँ पर कार्यक्रम के जी। तो सवाल ये होता है कि भैया हिंदू संगठन साथ होने के बाद भी ये जो संगठन है ये संगठन का विरोध क्यों हुआ जी? क्योंकि इनका कोई एजेंडा नहीं है। अखिल ब्राह्मण महासभा का मैं जानता हूँ कि उनका एक एजेंडा है, ठीक है, हम उसके किसी के एजेंडे के साथ है या नहीं है वो बात अलग है, लेकिन जब ये रिजॉल्व हुआ तो आपने जो आए उनको मारने का मतलब क्या है, आपके पीटने का मतलब क्या है, उनकी गाड़ियाँ जलाने का मतलब क्या है? तो आपको एक मौका मिला कि जहाँ जहाँ इनको मौका मिलता है वहाँ वहाँ वो कियोस करने की कोशिश करते हैं, वो अरागस्ता बजाने की कोशिश करते, डर पैदा करने की कोशिश करते, भय का एक उनका एक हथियार ही है तो उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल ये है कि आपने कहा कि एट्रोसिटी वहाँ पर लगाई है, तो उन पर एट्रोसिटी हटाकर 302 लगाना चाहिए, क्यों ऐसा आपका? देखिए क्योंकि ये एट्रोसिटी जो है वो सिर्फ आदिवासी और शूर विकास पे ही लगती है, अत्याचार हुआ तो ही लगती है। ये मैंने जैसे कहा कि ये जो आलूतेदार बलूतेदार का आंदोलन था जिसमें कई लोग हैं कि जो शुल्कास्ट है नहीं ओबीसी कैटेगरीज में आते हैं, कुछ है वो जनरल कैटेगरीज में आते हैं, तो हम उसमें जो है वो एट्रोसिटी का आयदा कानून लगा ही नहीं सकते। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि ये जो एट्रोसिटी के कलम आपने लगा दिए उसको हटा दीजिए, एक की जान गई है, डिकॉयटी हो गई है, रायट हो गया है, आप उसके कलम लगाइए, 302 के कलम लगाइए, क्योंकि 302 कलम कब लग सकता है? ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया है, याकूब मेनन के केस में उन्होंने गाइडलाइन दिया है, कोर्ट खुद ही मानती है कि याकूब मेनन उस ब्लास्ट में पर्सनली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो सपोर्टिंग सिस्टम है वो सपोर्टिंग सिस्टम उन्होंने दिया, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वेदर यू आर एक्चुअल और स्टैंड बाय, इफ यू आर इन्वॉल्व वी आर इन्वॉल्व। तो उसी तरह हम ये कह रहे हैं कि इनके संगठन ने किया है इसलिए इनके 302 लगना चाहिए, ये हमारी मांग है। शुक्रिया क्विंट से बात करने के लिए। तो प्रकाश अंबेडकर ने साफ कहा है कि सरकार ने जिस तरह से कार्रवाई की और एट्रोसिटी के जो वहां पर कलम लगाई है वो हटाकर 302 की कलम की कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर जो हिस्सा लेने के लिए लोग पहुंचे थे वो केवल दलित या ट्राइबल्स से ही समाज से ही संबंध रखते, ऐसा नहीं है, ओबीसी समाज के भी बहुत लोग और हिंदू समाज के भी बहुत लोग वहां पर विजय दिवस